आज का जमाना है, कहीं भी हम जाते तो सबसे पहले पूछता, अब आप व्हाट्सएप पर हो, आप फेसबुक पर हो, कब फेसबुक पर हूँ तो पता नहीं पर धरती पर हूँ, इतना तो पता है कि धरती पर हूँ। ऐसी दुनिया बन गई, क्या कहें, ये तो हम जैसे जिनकी आयु बहुत बूढ़ी नहीं है, हम जैसे लोगों के सामने ये जमाना बदला है। आज से कुछ समय पहले, खैर यहाँ तो फिर भी बहुत पहले से चीजें आ गई, भारत में पूरे गांव में एक टेलीफोन होता था, एक टेलीफोन पे पूरे गांव का जो संदेश था वो पहुंचता था, और जिसके घर में टेलीफोन होता था ना वो उस गांव का बॉस होता था, यानी पूरे गांव को समय समय पर उसकी सेवा करते रहनी पड़ती थी, क्योंकि यही संदेशा देने वाला, इससे बिगड़ नहीं जानी चाहिए, तो उसको समय समय पर कचौड़ी पूड़ी सब पहुंचाते रहो, मिठाई पहुंचाते रहो, जो टाइम पे हमारा संदेशा दे। ये तो हमारे सामने ये चीजें देखी, और अब देखो आज धीरे धीरे एडवांस होना इट्स अ गुड थिंग हमारी लाइफ के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए। टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी चीज़ है, आज ये टेक्नोलॉजी ही है जिसके कारण मैं इस मंदिर में बैठ के, सिद्धाश्रम में बैठ के कथा श्रवण करा रही हूँ, और इसको बैठे घर हजारों लोग, लाखों लोग श्रवण कर रहे हैं। तो मैं कोई विज्ञान को दोष दूँ या टेक्नोलॉजी को दोष दूँ वो गलत है, लेकिन उसको सही उपयोग करना आना ये बहुत ज़रूरी है। गाड़ी सबके पास होती है लेकिन उसके लिए ड्राइविंग सीखनी पड़ती है, तब आपको पता है लेफ्ट यहाँ से जाएगी, राइट वहाँ से जाएगी, और ऐसे ही घुमाओगे तो जाके कहीं टकरा जाओगे। वही हो रहा है आज, आज के बच्चों के साथ वही हो रहा है, कुछ नहीं पता। मुझसे अच्छा आप जानते हैं, आज का जो जो बच्चे हैं, जो भविष्य, कुछ नहीं जानते, इस छोटी सी एक दुनिया में लिप्त हैं पूरी तरीके से, उनको नहीं पता इससे बाहर भी एक दुनिया है जहाँ खुशी है, जहाँ आनंद है, जहाँ मिलना है, जहाँ जुन, और उसमें कहीं ना कहीं कमी हमारी भी रहती है, हमें भी उन चीज़ों को जो जिस प्रकार से हमें सिखाना बताना चाहिए। मैं हमेशा कहती हूँ पेरेंटिंग इज़ एन आर्ट जो हर जगह सिखाई नहीं जाती है। आप बताइए, डॉक्टर बनने की कोर्स है, इंजीनियर बनने की कोर्स, माता पिता बनने का कोई कोर्स है? कोई ये ना समझे कि मैं किसी के ऊपर कोई ऐसी प्रश्न उठा रही हूं, ऐसा नहीं, लेकिन सीखना जरूरी है। उसके लिए यूनिवर्सिटी भले मत जाइए, लेकिन उसके लिए हमारे शास्त्र हैं। पेरेंट्स बनने से पहले, माता पिता की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने से पहले, आपको अपने घर के जितने भी धर्म के शास्त्र हैं उनको पढ़ना चाहिए। पहले आपको तैयारी करनी चाहिए कि मुझे ये शास्त्र, इसके बारे में ज्ञान नॉलेज होनी चाहिए, तब आप सोचिए कि हाँ आप एक माता पिता की जिम्मेदारी निभा पाएंगे। बच्चा बहुत बहुत भोला होता है, जैसे एक एग्जाम्पल के लिए कोई आता है आकर के बच्चों को टॉय के रूप में एक गन दिला देते हैं, फिर वो छोटा सा बच्चा वो गन को लेके भागता रहता है, उसको लगता है कि ये खिलौना है, पर खिलौना नहीं है, वो सारा उसके दिमाग पर असर करता है। मुझे आज भी याद है मेरे लाइफ का, मेरे जीवन का सबसे पहला खिलौना जो सिर्फ 100 रुपया में आया था, और जीवन का वो सबसे पहला मेरा खिलौना था, और वो खिलौना था एक छोटा सा, इतना सा होगा कीबोर्ड, छोटा सा कीबोर्ड, और उसी छोटे से 100 रुपये के कीबोर्ड पर मैंने धीरे धीरे अपने आप थोड़ा थोड़ा बजाना सीखा। अगर मुझे भी वहीं से वो पकड़ा दी जाती तो शायद मेरा जो रुचि है वो भी उसी ओर धीरे धीरे चलने लगती। फिर दूसरा खिलौना क्या हुआ, गांव में मेरा जन्म हुआ है, ब्रज की भूमि पर जन्म हुआ है, बच्चे आसपास पड़ोस के सब खेलते हैं, ये खेलेंगे, गिल्ली डंडा खेलेंगे, तो अगला खिलौना क्या बनाया गया,
एक लकड़ी के स्टैंड को उस पर कॉटन लगा करके उसको माइक बनाया गया। तो उस पर खड़े होके वैसे ही कुछ आता जाता कुछ भी नहीं था, आता जाता आज भी नहीं है खैर, पर उस समय तो ABCD भी नहीं आती थी, पर वहां खड़े होके कि हम प्रवचन देंगे बोलेंगे। तो ये बहुत निर्भर करता है कि आप अपने बच्चों को शुरुआत से ही किसी भी तरह भगवान नाम में लगाएं। बाकी फिर लोग कहते बाद में बदल जाते, वो छोड़ो आप, वो तो उनके कर्म जो उनके पास लाइफ के जो कार्मिक अकाउंट्स हैं वो तो काम करेंगे ही करेंगे, चाहे आप कितना भी करो, लेकिन अपनी तरफ से कोशिश नहीं छोड़नी चाहिए। अपनी तरफ से आप खुद भी भगवान नाम में लगें, उनको भी बचपन से ही लगाएं। केवल इतना ना हो कि बचपन में क्या कमाई 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 के चक्कर में हम उधर बच्चों पर ध्यान देना छोड़ देते। कमाइए, कमाएंगे तभी आप उनको अच्छा भविष्य दे पाएंगे, लेकिन ये मत भूलिए कि अच्छा भविष्य केवल अच्छे यूनिवर्सिटी में पढ़ लेंगे, बड़ा मकान मिल जाएगा, उससे अच्छा भविष्य नहीं होता। उनकी वैल्यूज़ जब तक मजबूत नहीं होगी, उनकी फाउंडेशन जब तक मजबूत नहीं होगी, तो कैसे खुश रह पाएंगे। आजकल के बच्चे छोटे छोटे 4-5 साल के बच्चों को देखो, उनसे पूछो क्या हुआ, मूड ऑफ है हमारा। हम 4-5 साल के थे, हमें पता भी नहीं था मूड होता क्या है, ये ऑफ भी होता है क्या कभी, आज हमारा ये मन नहीं है, आज हमारा ये चीजें कहां से आ जाती है छोटे बच्चों में। डिप्रेशन कितनी भयंकर बीमारी है। भारत जैसे देश में एक बच्चा जरा सा एग्जाम में फेल हो जाता है तो डिप्रेस्ड होके सुसाइड कर लेता है। क्यों? क्योंकि बच्चों को मजबूत बनाने की जो प्रक्रिया, उसमें कई कमी रह गई कि एक जरा सा एग्जाम में फेल हुआ और हार गया, डिप्रेस्ड हो गया।